यहाँ पे जब हम आते हैं तो सारे पैसे यहीं पे आके वसूल हो जाते हैं। जो व्यू है ना बैक साइड पे, लवली हाइट पे व्यू है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। यू कैन सी ओवर हियर। तो यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी मोनूमेंट, और यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग आए हुए हैं वो स्कूल और कॉलेजेस से उनको लेके आए गए हैं। तो हमें तो फुटना पड़ रहा था अपने टाइम पे, कोई ट्रिप ही नहीं होती थी, खुद फुट फुट के आगे आते थे, कभी बसों पे, कभी कैसे। क्यों दुला, आप ट्रिप पे आए हो, कितनी दफ़ा आ चुके हो? ये ज़रा लेटेस्ट जनरेशन का किस मैं, क्योंकि मैं बहुत फुटा नहीं हूँ, बट हाँ मैं इस इधर आ चुका हूँ। जब छोटे छोटे बच्चे नहीं होते 4, 5, 5, 6 क्लासेस के, हाँ उनको ट्रिप्स पे लेके आते हैं। हाँ इधर आपको ज़्यादा आवाम लोकल नहीं मिलेगी, ज़्यादा स्कूल्स कॉलेजेस की मिलेगी, मतलब ज़्यादा फुटे नहीं हैं। हाँ एग्जैक्टली, हम तो बहुत फुटे थे भाई, साफ सी बात है। बस में आइसक्रीम, यस चेज करें, आराम हो जाएगी। हाँ आराम, चेज करने से आराम हो जाती है। ओके मेरी मम्मा कहती है वैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़ के आइसक्रीम शुरू कर लेंगे। वैसे तो ठंड है लेकिन उसके बावजूद भी आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है, एंड खा रहे हैं। गाइस आपको एक चीज़ ये पकड़ना, यस गाइस आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, लाजमी मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आप कहीं भी बाहर किसी भी टूरिस्ट प्लेसेस पे हैं, जैसे कि मोनूमेंट है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में कहीं भी, मेक श्योर अगर वहाँ से आप खाने पीने के लिए वहाँ से हैं तो प्लीज़ आप माइंड में ये मत रखिएगा, क्योंकि जो चीज़ 10-20 रुपए की होती है ये वहाँ उसका रेट डबल करके बेचते हैं। तो जो चीज़ आपको बाहर से बहुत कम में मिलेगी उसको डबल ट्रिपल करके बेचेंगे। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, अगर कुछ आप साथ ले आएँ वो ज़्यादा ठीक है, या फिर अगर आप यहाँ से, आपके माइंड में है कि यहाँ से हम होटलिंग वगैरह भी कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वेरी गुड इन्फॉर्मेशन फ्राम अब्दुल्ला। और अभी हम जाने लगे यहाँ से शकरपारियां, जो कि बिल्कुल यहाँ से अभी हम बाइक पे जाएंगे। वो जो सामने जो रोड नज़र आ रही है उस रोड से थोड़ा सा आ गया। सो गाइज वी आर हियर शकरपारियां में हम पहुँच चुके हैं। बरसों तक नहीं मगर वो जब याद आते वाह तो अक्सर याद आते, दिले उम्मीद तोड़ा किसी, दिले उम्मीद तोड़ा किसी, दिले सहारा दे के छोड़ा किसी ने, सहारा दे के छोड़ा किसी ने, सिल में मुसलसल 4-5 साल, 4-5 साल हो गए हैं। तो माशाल्लाह से क्या है जय भाई की? मैं तकरीबन 22 साल। अच्छा 22 साल के हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है जी इन भाई का। और नाम क्या आपका? अली अख्तर। अली अख्तर, माशाल्लाह से अली अख्तर भाई बहुत ज़बरदस्त, इसको दूर से सुना मैं, एकदम अट्रैक्शन हुई यहाँ पे मैं आया। तो 4 साल से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं लाहौर से। लाहौर से, किसी से सीखा है या खुद से? वाले साहब करते हैं। वाले साहब तो मतलब प्रोफेशनल है इसमें या शादी में? लोकल ही है बस, मतलब शादियों वगैरह पे जाके। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, और इसी से मतलब आपका गुजारा वगैरह इसी से चल रहा है जी? शुक्र है जी, मालिक की ज़ात ने बस ये फन दिया हुआ, मांगने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। मैरिड हैं आप? अनमैरिड हैं। तो ये इतने दुखिया गाने और ये दर्द, क्या कोई प्यार हो चुका है या बस नहीं? देखिए नहीं, मोहब्बत के बगैर कोई चीज़ नहीं है। तो मतलब प्यार हुआ है आपको? तो क्या ब्रेकअप हुआ था या अभी है? ब्रेक। अच्छा ब्रेकअप हो गया, हाँ देखा ना जी, ब्रेकअप हो चुका है, तो इसी वजह से भाई साहब। और गाइस आप भाई ने अपना नाम क्या बताया? अली अख्तर। अच्छा गाइस आप अली भाई की आवाज़ में वो दर्द भी फील कर सकते हैं जो कि
ایک آواز میں ہونا چاہیے. یس جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا. اب میرے جیسا شدید سنگل والا بندہ گانا گائے گا تو اٹ ڈزنٹ ساؤنڈز لائک اس حساب سے. اچھا جس نے مجھے چھوڑا. جس نے آپ کو چھوڑا تو یہ درد محسوس کر سکتے ہیں بھائی کے. اور کتنی عمر میں بریک اپ ہوا تھا آپ کا؟ تقریباً کوئی ہو گئے تین سال ہو گئے ہیں جی. آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں. علی بھائی یہ بتایا میرا پروگرام ہو گیا. اچھا اور کے ٹو ٹی وی پہ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں یہ اسلام آباد میں جو ریڈیو اسٹیشن ہے پروگرام کے نام سے وہاں پہ ایف ایم کے پروگرام. ٹھیک ہے. ادھر بھی میں نے چلو یار یہ لوگ ہارڈ کور سے اچھا اس میں بھی اپلائی کیا ہوا کرے کہیں نہ کہیں سے وہ اللہ کی طرف سے اللہ پاک ان شاء اللہ بھائی کو ترقی دے. اندھیر نہیں ہو سکتا ایسے ہی. اور ماشاء اللہ سے بہت زبردست آواز ہے یار. آپ کو ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. پلیٹ فارم کوئی آپ کو بڑا ملے تو ان شاء اللہ آپ اس کو آگے اور اچھا کریں بہتر کریں. ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ ملاقات ہوتی رہے گی. یہاں پہ ہیں, یہ بہت ہی زبردست پلیس ہے. اندر سارا جنگل ہے. اگر اندر آگے دیکھا جائے بالکل اس کا ویو ٹوٹل نیچے جنگل ہے. یہ آگے کوئی ظاہری سی بات ہے کوئی جانور اس طرح کی چیزیں بھی ہوں گی. اور آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے مجھے.